एक कहावत है हिंदी में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बाजा। यहां पर हमारे जो मित्र हैं गौरव जी ने बड़ा भाषण दिया, हम तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। तो भ्रष्टाचार जनता पार्टी को यह भी तो मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले कर्नाटका के आवाम ने 40% घूस या भ्रष्टाचार के सरकारा को क्या जवाब दिया। 2024 में नाविका जी वही होने वाला है। भारत की जनता बहुत ही समझदार और जागरूक है और वो जानते हैं इस देश में क्या हो रहा है। पब्लिक है, ये सब जानती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप, मैं भाजपा के प्रवक्ता को दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। बड़े भाषण दिया उन्होंने भ्रष्टाचार पे, हिंदी में बोला इसीलिए मैं भी हिंदी में जवाब दे रहा हूं। आप अजीत पवार को तो जानते होंगे, आपके सरकार में आई वॉज बैठे हुए हैं स्पीकिंग महाराष्ट्र इन में। इंग्लिश एंड भारत जस्ट के समझ माई डेंट प्रधानमंत्री हियर। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते हैं ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी। एक हफ्ते बाद ये लोग गले मिलते हैं और सरकार चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत की 140 करोड़ के जो जनता है वो बेवकूफ है क्या? क्या आप उनको ऐसे ही भटकाते रहिएगा अपने ही बयानबाजी में? दूसरी बात ना नाविका जी, इसको भी जरा, इस पर जरा गौर किया जाए। और मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम विषय है। अदानी पर तीन लोगों ने भाषण दिया, बहुत ही, मैं समझता हूं कि जबरदस्त भाषण दिया। राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, डिस्क्वालिफाइड हो गए। परंजॉय ठाकुरता, गुहा ठाकुरता ने ढेर सारे लेख लिखे। कल हमने देखा न्यूज क्लिप पर कैसा एक तरीके से उस पर, उन पर भी एक गिरफ्तारी का एक आरोप लग गया है कि वो देशद्रोही है। और संजय सिंह, हु हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल एक्सपोनेंट्स ऑफ द करप्शन इन दिस गवर्नमेंट, इज टुडे अरेस्टेड। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन टू से ऑन द दिल्ली लिकर स्कैम दो। दिस इज, यू नो, आई हैव फॉलोड पॉलिटिक्स, आई हैव बीन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम नाविका आई एम सीइंग पीपल गेटिंग अरेस्टेड इन अ पॉलिसी वायलेशन अपेरेंटली, विच वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड। इट वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड, बट इट सीम्स दैट एवरी वन हु वॉज पार्ट ऑफ सम प्रोसेस इन अ पॉलिसी दैट नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे वॉज इंडल्जिंग इन करप्शन। आई थिंक दिस रेजेस फंडामेंटल क्वेश्चंस। जहां तक ईडी का सवाल है, नाविका जी सब Can I जानते हैं, respond? 95% ऑफ द केसेस हैव टारगेटेड विपक्षी दल एंड द ईडीज कन्विक्शन रेट Okay, इज 3%। all right. मेरे गौरव को मैं बताना चाहूंगा, गौरव जी, Can I 2024 का respond? चुनाव इज इंडिया वर्सेस बीजेपी, और इंडिया को कोई नहीं हरा पाएगा। भाजपा आती है, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, राजनीति दल जीतेगा हारेगा, लेकिन इंडिया कैन नॉट बी डिफीटेड, भारत कैन नॉट बी डिफीटेड।